वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने बयानों के चलते चर्चा में बने रहते हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद अयोध्या में मस्जिद को लेकर उनके हालिया बयान पर सियासत तेज हो गई है। सीएम योगी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर मुझे मस्जिद के उद्घाटन के लिए बुलाया जाता है तो मैं एक योगी के तौर पर वहाँ कतई नहीं जाऊँगा। तो आइए जानते हैं अयोध्या में मस्जिद को लेकर सीएम योगी ने क्या क्या कहा और उनके बयान पर क्या प्रतिक्रिया आई। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक निजी चैनल से गुरुवार को खास बातचीत की। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या आप अयोध्या में मस्जिद निर्माण के शिलान्यास या फिर उद्घाटन में जाएंगे, तो इस सवाल के जवाब में योगी ने कहा, मुख्यमंत्री के रूप में पूछेंगे तो हमें किसी धर्म संप्रदाय मजहब से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक योगी के तौर पर पूछेंगे तो मैं वहाँ कतई नहीं जाऊँगा। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें किसी धर्म से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हिंदू होने के नाते मुझे अपनी पूजा पद्धति के अनुसार जीने का अधिकार है। याद रखें, जो नेता सेक्युलर दिखने के लिए रोजा इफ्तार में टोपी पहनकर जाते हैं वो धर्मनिरपेक्षता नहीं है। जनता यह सब जानती है। यही नहीं, सीएम योगी ने आगे कहा कि मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम में ना तो मुझे कोई बुलाएगा और ना ही मैं वहां जाऊंगा। जिस दिन मुझे बुला लेंगे धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाएगी। उधर सीएम योगी के इस बयान के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रतिक्रिया आई है। बोर्ड के एक सदस्य ने एक टीवी डिबेट में कहा कि आखिर हम सीएम योगी को मस्जिद के निर्माण कार्यक्रम में बुलाएंगे ही क्यों। गौरतलब है कि सीएम योगी ने एक दिन पहले ही टीवी चैनल पर ऐसा ही एक बयान दिया था। दरअसल जब उनसे पूछा गया कि आने वाले दिनों में जब अयोध्या में मस्जिद का निर्माण शुरू होगा तो कहा जा रहा है कि आप यानी कि सीएम योगी वहां नहीं जाएंगे, तो इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ और मैं अपने कार्य को हमेशा कर्तव्य और धर्म मानकर चलता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे कोई नहीं बुलाएगा और इसीलिए मैं वहां जाऊंगा भी नहीं। बता दें कि राम मंदिर बाबरी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि दिए जाने का फैसला दिया था। यूपी सरकार ने 5 फरवरी को ही अयोध्या जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर जमीन मस्जिद के लिए आवंटित कर दी थी। यहीं पर मस्जिद का निर्माण होना है और इसी मस्जिद के उद्घाटन में शामिल होने को लेकर सीएम योगी से सवाल पूछा गया था। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे सीएम योगी ने कहा कि वो अयोध्या में मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम में कतई नहीं शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने इसकी वजह भी बताई। इस मसले पर आपका क्या कहना है हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ अयोध्या मसले से जुड़े हर अपडेट के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।